नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JK247 न्यूज और मैं हूं आपके साथ विशाखा चौधरी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की खबरों की और सबसे पहले आपको बड़ी खबर दे देते हैं। आज अयोध्या दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अयोध्या का दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, दर्शन पूजा के बाद रामलला के दर्शन भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और करोड़ों की परियोजनाओं का प्रगति पर किस तरह से कार्य चल रहा है उसका मंथन भी करते हुए नजर आएंगे। दलित के घर भोज भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो जिस तरह से अयोध्या का दौरा जो है वो आज है सीएम योगी आदित्यनाथ का, गुप्तार घाट पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण भी करते हुए नजर आएंगे। तो जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का जो अयोध्या का दौरा है वो आज बना हुआ है और इसी के साथ लगभग 19,000 करोड़ की परियोजनाओं का जो वहां पर समीक्षा बैठक है वो भी करते हुए नजर आएंगे। किस तरह से कार्य किया जा रहा है उसकी समीक्षा की जाएगी और गुप्तार घाट पर महाराणा प्रताप की जो प्रतिमा है उसका अनावरण भी सीएम योगी करते हुए नजर आएंगे। तो जिस तरह से अयोध्या का जो दौरा है वो आज सीएम योगी का बना हुआ है और अयोध्या पहुंचकर सीएम योगी रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी भी पहुंचेंगे और उसके बाद जो वहां पर प्रगति कार्य चल रहे हैं उसका सभी का किस तरह से जो विकास कार्य है किस तरह से वहां पर कार्य चल रहा है उसकी समीक्षा भी करते हुए नजर आएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनूप त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो अनूप, किस तरह से जो तभी सभी चीजें हैं अयोध्या के अंदर वो देखने को मिलेंगी और रामलला के दर्शन किया जाएगा, इसी के साथ लगभग 19,000 करोड़ रुपए की जो परियोजना है जो कार्य अयोध्या में चल रहे हैं उनका जो उनकी समीक्षा है वो भी योगी करेंगे। देखिए बिल्कुल विशाखा, आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है अयोध्या का, करीब 24 घंटे का ये दौरा है और आज जाएंगे, रात्रि विश्राम भी अयोध्या में ही करेंगे। उससे पहले अभी वो अयोध्या पहुंच चुके हैं और अयोध्या में अब से उनके कार्यक्रम लगातार दोपहर से रात तक के उनके कार्यक्रम हैं। तमाम जो विकास परियोजनाएं चल रही हैं अयोध्या के चतुर्मुखी विकास की जो सरकार ने परियोजना तैयार की है, जो संख्या है जिस पर कार्य शुरू हुआ है, चाहे वो जो अयोध्या में बन रहा है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट उसकी बात हो, रेलवे स्टेशन की बात हो, अयोध्या में जो शहर के अंदर की सड़कें हैं उनको बनाने की बात हो, या फिर जो जिला अधिकारी कार्यालय से लेकर तमाम जो सरकारी ऑफिसेज हैं उनके सौंदर्यीकरण की बात हो, बड़े और पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार की बात हो, या फिर सरयू तट पर जो मूर्ति लग रही है या सरयू तट के किनारे जो तमाम देशों के जो ऑफिसेज बन रहे हैं उनको संवारने की बात हो, एक नई अयोध्या का जो शहर बन रहा है उसको बसाने की बात हो, तमाम जो विकास परियोजनाएं हैं उनकी समीक्षा आज मुख्यमंत्री करेंगे। और इस दौरान खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं AK शर्मा वो भी योगी आदित्यनाथ के साथ हैं, अरविंद कुमार शर्मा, और वो भी तमाम जो स्थितियां हैं वहां की उनसे अवगत कराएंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और इसके साथ ही जो अयोध्या में भव्य श्रीराम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है तो श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ भी योगी आदित्यनाथ की मीटिंग है। जाहिर सी बात है कि 2024 के चुनाव से पहले अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर बनकर तैयार हो जाए, खड़ा हो जाए, ये सरकार की पूरी कोशिश है। विशाखा, जिस तरह से अनूप अयोध्या को विश्व पटल पर लाने की जो कोशिश है वो भी उत्तर प्रदेश सरकार की लंबे समय से चल रही है, ऐसे में चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो या अन्य जो वहां पर विकास कार्य है वो लगातार प्रगतिशील है, तो किस तरह से मुख्यमंत्री के योगी आदित्यनाथ के इस दौरे को लेकर जो तमाम चीजें हैं वो अयोध्या में रहेंगी? देखिए विशाखा, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार खास तौर पर 2024 से पहले अयोध्या उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल है और भगवान श्री राम के नाम पर जिस तरह से सियासत उत्तर प्रदेश में हुई है, अयोध्या का जो मंदिर मस्जिद का विवाद रहा है जो 400-500 साल से चल रहा था और बीजेपी सरकार में ही उस विवाद का खात्मा हुआ, मंदिर निर्माण शुरू हुआ, तो ये बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धि हम कह सकते हैं। तो बीजेपी जरूर चाहेगी कि 2024 से पहले भव्य मंदिर बनकर तैयार हो और जिससे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इसका श्रेय हासिल किया जा सके। और जो हिंदुत्व की व राष्ट्रवाद की बात कही जाती है, जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का नारा बीजेपी देती है, तो उस पर जो उत्तर प्रदेश व देश के लोग हैं उनको एकजुट किया जा सके चुनाव से पहले। दूसरा पहलू यह है, देखना होगा कि आखिरकार किस तरह से अयोध्या में जो तमाम चीजें हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आते हैं और उनके दौरे के बाद किस तरह से जो विकास कार्य है अयोध्या का वो आगे बढ़ता है। फिलहाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया।
और आगे बढ़ते हैं, एक और जो बड़ी खबर है वो आप तक पहुंचा देते हैं। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का ऐतिहासिक दिन है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही कोर्ट के आदेश पर आज किया जाएगा परिसर का सर्वे, कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा करेंगे इस, दोनों पक्षों के सामने ही जो कोरियोग्राफी है वो भी कराई जाएगी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और जिस तरह से आगामी 10 मई को कोर्ट में पेश की जाएगी रिपोर्ट और वीडियोग्राफी और अन्य सबूतों को सुरक्षित रखने की जो मांग है वो इससे पहले की गई थी, और परिसर के आसपास जो है वो भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही साधु संतों ने मंदिर परिसर में हवन और यज्ञ भी किया है। तो जिस तरह से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आगामी 10 मई को कोर्ट में पेश की जाएगी रिपोर्ट और काशी का जो मुद्दा है उस पर जो वीडियोग्राफी और अन्य सबूतों को सुरक्षित रखने की जो मांग है वो भी की गई थी। परिसर के आसपास इस पूरे मामले को लेकर जो भारी पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। जो साधु संत है वो भी पहुंचेंगे और काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर का जो कोर्ट का आदेश है उसका सर्वे हो, फोटो हो, जांच हो, जो उसमें कुछ लोग धमकी दे रहे हैं कि हम नहीं करने देंगे, उनकी बुद्धि शुद्ध हो। और एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हम न्यायालय का जो संविधान को मानते हैं, तो एक तरह से न्यायपालिका की अवमानना है, उल्लंघन है। इस दृष्टि से पूजा पाठ किया गया कि इनकी बुद्धि परिष्कृत हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, और जो कार्य में बाधा आने की संभावनाएं हों वो बाधाएं मुक्त हो, विश्वनाथ श्रृंगार गौरी मुक्त हो। और संपूर्ण प्रतीक चिन्ह है कि वो विश्वनाथ था, है और भविष्य में रहे, उसकी बाधाएं दूर हों, अवैदिक मतों के, इस्लाम के मतावलंबियों की बुद्धि शुद्ध हो, परिष्कृत हो और निर्विघ्न जांच का कार्य संपन्न हो, इसके लिए हवन पूजन। तो जिस तरह से पूरा मामला और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास कौर मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो किस तरह से विकास, जो तमाम चीजें हैं वो विश्वनाथ, जो काशी विश्वनाथ मामला है उसको लेकर फिलहाल सामने आ रही है और कहा यह जा रहा है कि वीडियोग्राफी जो है वो कोर्ट की तरफ से की जाएगी, उसको लेकर वहां पर भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो भी तैनात किया गया है। जी विशाखा, देखिए आज आपको बता दें कि आज पूरे देश की निगाह काशी पे होगी और कहीं ना कहीं इस समय वाराणसी में जो फोर्सेस है वो अलर्ट कर दी गई है। जहां एक तरफ हिंदू पक्ष कोर्ट का आदेश को मानते हुए ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष जो है इसका विरोध कर रहा है। मुस्लिम पक्ष के अनुसार जो भी वहां पे मंदिर है वो पहले नहीं थी और मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन वहीं अगर हिंदू पक्ष की बात की जाए तो हिंदू पक्ष इस पे लगातार जांच की बात कर रहा है और कोर्ट के आदेश आ गए हैं। आज कोर्ट के आदेश के अनुसार सर्वे होना है और आज सर्वे होगा, ये सर्वे 10 मई तक संपन्न करा देना है। कहीं ना कहीं वाराणसी में जो पुलिस फोर्स है वो तैनात है और कई सारी फोर्सेज ज्ञानवापी मस्जिद में लगाई गई है। और ये भी कहा गया कोर्ट की तरफ से कि वहां पर जो दोनों पक्ष हैं वो भी मौजूद रहेंगे, उनके सामने जो तमाम पूरी वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है वो की जाएगी, उसके बाद कोर्ट कोई नतीजे पर पहुंचेगा। जी बिल्कुल विशाखा, आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष, दोनों पक्ष यहाँ मौजूद है और सुबह से ही यहाँ पे जो संत समाज है वो पूजा हवन कर रहा है ताकि जो ये सर्वे है, जो वीडियोग्राफी है वो शांति ढंग तरीके से हो। चूंकि गंगा जमुनी तहजीब के नाम से ये काशी को जाना जाता है तो कहीं ना कहीं दोनों का समन्वय जो है वो बना रहे और लगातार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मुस्लिम पक्ष है वो विरोध कर रहा है, उनका कहना है कि जिस जगह की सर्वे की जा रही है वहां पे मंदिर नहीं है, लेकिन वहीं अगर हिंदू पक्ष की बात की जाए तो हिंदू पक्ष लगातार ये कह रहा है कि पहले यहाँ मंदिर थी और बाद में इस पे मस्जिद बनाया गया है। और आज कोर्ट के आदेश आए हैं, कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेश के अनुसार आज सर्वे होना है और वीडियोग्राफी होनी है और 10 मई तक इसकी रिपोर्ट को सौंपे जाना है। लेकिन विकास, जिस तरह से इस समय पूरे देश में जो सांप्रदायिक माहौल है वो बना हुआ है, ऐसे में काशी को लेकर यदि कोर्ट का फैसला आता है तो क्या जो स्थिति है उससे निपटने के लिए प्रशासन भी तैयार है? जी बिल्कुल विशाखा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद में तीन तरह की फोर्सेस लगाई गई है और जितने भी आसपास के एरियाज हैं वहां फोर्सेस लगाई गई है। काशी में जो पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट मुद्दा पे है और जो वाराणसी कमिश्नरेट है वो पूरी तरह से तैयार है कि कोई अनहोनी न घटे। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि गंगा जमुनी तहजीब के नाम से ये काशी जानी जाती है, चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, काफी दोनों में आपसी संभाव है, तो ऐसी घटना घटित ना हो जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। चले विकास, देखना होगा कि आखिरकार कौन सी जो तस्वीरें हैं वो काशी से निकल कर आती है और जाहिर तौर पर जो ऐतिहासिक तस्वीरें हैं वो निकलेगी कोर्ट के फैसले के बाद। फिलहाल आपको तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया और आगे बढ़ते हैं।
रुक करते हैं बड़ी खबरों का। लगातार जो बड़ी खबर है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यूपी के गांव को स्मार्ट बनाने की जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। साथ ही सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के सभी गांवों को स्मार्ट विलेज बनाने के जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। और आपको बता दें कि ग्राम सचिवालयों को इंटरनेट की सुविधा देने की जो बात है वो सीएम योगी कहते हुए नजर आए हैं। और जिस तरह से यूपी के गांव में फ्री वाईफाई देने की जो सुविधा करने की जो बात है वो भी सीएम योगी ने कही है। तो उत्तर प्रदेश जो है वो अब गांव के जो स्मार्ट विलेज बनाने की जो पूरे पूरे निर्देश है वो सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं। आपको बता दें कि सीएम की तरफ से कहा गया है कि सभी जो ग्राम सचिवालय हैं उनके 50 मीटर के दायरे में जो वाईफाई की सुविधा है वो उपलब्ध हो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनूप चौधरी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो अनूप, किस तरह से जो तमाम चीजें हैं वो अब उत्तर प्रदेश में सीएम योगी करते हुए नजर आ रहे हैं, और स्मार्ट विलेज बनाने की जो निर्देश है वो दिए गए हैं सीएम की तरफ से, ग्राम सचिवालय में इंटरनेट की फ्री सुविधा उपलब्ध कराई जाए, 50 मीटर के दायरे में ये पूरी वाईफाई की जो सुविधा है वो कितना जो तमाम चीजें हैं वो उनके निर्देश के बाद रहेंगी। देखिए विशाखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार गांवों पर फोकस उनका वो करते रहे हैं। गांवों में आर्थिक गतिविधि और विकास हो इसके लिए लगातार वो निर्देश देते रहे, चाहे प्रधानों को उनके उसको हाईटेक सुविधा से लैस करने की बात है या गांव की जो पंचायत है। अब ग्राम पंचायत को ग्राम सचिवालय का दर्जा दिया जाएगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा निर्देश दिया था ताकि गाँव का विकास हो, वहाँ पर आर्थिक गतिविधियों में तेजी आए, इसी वजह से उन्होंने निर्देश दिया था। जिसके बाद गुरुवार को अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने निदेशक पंचायती राज निदेशक को एक शासनादेश जारी कर दिया कि अब ग्राम पंचायत कार्यालय को ग्राम सचिवालय का दर्जा दिया जाएगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा और 50 मीटर के दायरे में वहां पर वाईफाई फ्री किया जाएगा। तो ऐसे गांव के जो लोग होंगे 50 मीटर के दायरे में वो फ्री इंटरनेट की सुविधा का लाभ ले सकेंगे। इसके अलावा जो दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट होंगे ग्राम पंचायत कार्यालय के डॉक्यूमेंट हों वो भी सब ऑनलाइन किए जाएंगे, और जो दस्तावेज को जरूरत होगी वो इंटरनेट कनेक्टिविटी के जरिए वो आसानी से जो ग्रामीण है वो उनको हासिल कर लेगा। मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि गांव में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आए और गांवों का विकास हो, इसी वजह से ग्राम पंचायत कार्यालय को ग्राम सचिवालय का दर्जा दिया गया। सभी तरह के दस्तावेज जो है ऑनलाइन ग्रामीणों को आसानी से उपलब्ध हो पाएंगे, ग्राम पंचायत कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, आसानी से इंटरनेट कनेक्टिविटी के जरिए उनको सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध हो पाएंगे। और अनूप, जिस तरह से जो तस्वीर पहले कही जाती थी कि जो उत्तर प्रदेश के गांव हैं उनका संपर्क पूरी तरह से जो राजधानी है जो जिले हैं उनसे कटा हुआ होता है, उसके बाद सीएम योगी जो है अब गांव की तरफ विकास को लेके जा रहे हैं, तो कितना हम आगे देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो रूपरेखा है पूरा मॉडल है वो आने वाले समय में बदल सकता है। बिल्कुल, योगी सरकार 1.0 की बात करें तो उसमें भी उस दौरान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार गांवों को स्मार्ट बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, प्रधानों को कई तरह की सुविधाएं दी थी। और इसी के बाद योगी सरकार 2.0 में भी मुख्यमंत्री का फोकस है कि गांव में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आए, गांवों का विकास हो, ग्रामीण भी मुख्य धारा से जुड़े, इसी वजह से ग्राम पंचायत कार्यालय को अब ग्राम सचिवालय का दर्जा दिया गया है, इंटरनेट की सुविधाएं दी जा रही ताकि ग्रामीण है यानी से वो भी आर्थिक गतिविधियों में उनमें तेजी आए, गांवों का विकास हो और वो सीधे राजधानी यानी मुख्यालय से जुड़ सके, और जो सरकारी योजनाएं हैं क्या सरकार की योजनाएं हैं उनसे भी वो वाकिफ हो पाए। जाहिर सी बात है जो सरकारी योजनाएं हैं जो ग्रामीणों से जुड़ी हुई है, अगर उन योजनाओं से वो उनको जानकारी वाकिफ हो पाएंगे तो उन योजनाओं का लाभ भी सीधे तौर पर जो है ग्रामीणों को ही मिलेगा। चलिए अनूप, देखना होगा आखिरकार किस तरह की जो तस्वीरें हैं वो निकल कर आती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस स्मार्ट विलेज के निर्देशों के बाद। फिलहाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया, और फिलहाल के लिए इतना ही। अगर के लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज़। नमस्कार।